बड़े दुख की बात है, जिन माताओं को हम इतना बड़ा वो देते हैं कि हमारी माँ माँ सबसे ऊपर है, वही माँ आज अपने बच्चों को कैंसर बीमारी दे रही है गिफ्ट में। अपनी आदत से इतनी लाचार है, इतनी मजबूर है बेचारी कि अपनी आदत को सुधार नहीं पा रही भाई। एक तरफ तो बच्चों को स्कूल छोड़ना आ रही है उनका भविष्य बनाने के लिए, और एक तरफ एक हाथ में रखती है गंदगी कूड़ा और यहाँ फेंकती है। टेम्पू से दो ही कदम आगे कूड़ा घर बना रखा है, मगर सबको कूड़ा यहाँ डालना है क्योंकि सब चाहती है कि उनके बच्चों में ये कैंसर जैसी बीमारी हो। और अभी हमने कुछ समय पहले एक सर्वे कराया था अपने गांव फतेहपुर बेरी में, जिसमें 200 प्लस परिवारों में कैंसर के पीड़ित पाए गए थे। अब ये माताएं हमारी जब सुधरेंगी, जब इनके खुद के बच्चे को कोई ऐसी बीमारी निकले। ये देखिए भाई, यहाँ इन बच्चों को छोड़ने जाती है और एक हाथ में रखती है कूड़े की पन्नी और यहाँ डाल के जाती है। भाई लंच में जो इन क्लासों में बच्चे रहते हैं भाई साहब, वो रोते हैं क्योंकि जब भी हवा चलती है सारी गंदगी उन्हीं के नाक में उनके खाने में से बदबू आने लगती है। अपनी आदत से इतनी लाचार है, इतनी मजबूर है बेचारी कि अपनी आदत को सुधार नहीं पा रही भाई। इन माताओं के लिए इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करना। लंच टाइम में जब टिफिन खोलते लंच में से बदबू आती है, ये सही है गलत है? गलत है भाई। माँ को हम इतना ऊंचा दर्जा देते हैं ना, अब ये माताएं कैंसर जैसी बीमारी दे रही है, ठीक है अपने बच्चों के लिए? बेटा खुश हो तुम इस चीज से? गलत है ना, मम्मियों को शर्म आनी चाहिए ना। तो भाई इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, छोटे बच्चों का दुख है। हो सकता है आपके वीडियो शेयर करने से अगर एक दो माओ में भी अकल आ जाए और उनकी आंख खुल जाए तो भाई बड़ी मेहरबानी होगी इन बच्चों पर। सारे अपने टिफिन को खोलते हैं लंच टाइम में भूख के टाइम पे और रोटी नहीं खा पाते बदबू के कारण। यहाँ पर कूड़ा घर है, मतलब यहाँ क्यों फेंक रहे हो? जबरदस्ती भी यहाँ पर दीवार भी खड़ी की हुई थी तो वो भी तोड़ के वहाँ पर कूड़ा घर बना दिया। फिर जबरदस्ती हाँ, दो कदम और चल के वहाँ पर कूड़ा घर एक और है तो उधर बना फेंको आप। असली कूड़ा घर वही है, जबरदस्ती बना रखा है।